वालेकुम, न्यूज वन के साथ मैं हूँ वरीशा जुल्फिकार। सबसे पहले हेडलाइंस। भारत रियासती दहशत गर्द कुलभूषण को बचाने के लिए धमकियों पर उतर आया। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने रॉ एजेंट को क्लीन चिट दे दी, कहा सजा पर अमल हुआ तो पाकिस्तान को नतीजे भुगतना होंगे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में स्कूल गिराने की तहकीकात, महकमा इंसदादे दहशतगर्दी के सुपुर्द एसपी ऑपरेशन मुनीर शेख इंक्वायरी और जिम्मेदार पुलिस अफसरान का तायुन करेंगे। मुल्क में बड़े अहदों पर तकर्रियां नहीं की जाती, ऑडिटर जनरल की तायनाती अभी तक नहीं हुई, ये वफादारों को ढूंढते रहते हैं और तायनातियां लटका दी जाती हैं, खुर्शीद शाह की तनकीद। लंदन में बड़े बड़े फ्लैट्स खड़े कर लिए गए, मुसल्ला दहशतगर्दी के अलावा मुआशी दहशतगर्दी भी हो रही है, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। मुल्तान की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 3 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका, फायर ब्रिगेड की कोशिशें जारी। स्पॉट फिक्सिंग की ना किसी खिलाड़ी को उकसाया, मौतल क्रिकेटर शाहजेब हसन ने इल्जाम मुस्तरद और ट्रिब्यूनल में जाने का फैसला कर लिया। और वनडे सीरीज का फैसला कुन मार का आज होगा, गयाना में सजेगा मैदान, मद्दे मुकाबल होंगे वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा।